हाय एवरी टुडे वी विल डिस्कस योर चैप्टर नंबर टू आ गर्ल्स इनक्रेडिबल जर्नी फ्रॉम सीरिया ओके तो फर्स्टली वी विल डिस्कस योर चैप्टर टाइटल यस इसका मीनिंग है कि एक लड़की की अविश्वसनीय जर्नी कहाँ से सीरिया से ओके सो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज लुक कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स यहाँ कुछ फिलअप दिए गए हैं यहाँ आपको क्या फिल करना है जो है सेंटेंसेस हैं उनको आपको कंप्लीट करना है और ये क्या हैं आपके इन बिटवीन यूर चैप्टर तो आप जब चैप्टर रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि दीज वर्ड्स आर राइट येस yes, न फर्स्ट है आपका नज़ीन अलॉन्ग विद अदर पीपल ट्रेवल्ड इन आ डेंगी तो डिंगी मीन क्या होता है स्मॉल बोट तो जो नजीन थी वो किसके साथ जो दूसरे लोग थे उनके साथ ट्रेवल की थी किस में डिंगी में स्मॉल बोट में नेक्स्ट है आपका नसरीन वॉज द वन हु न्यू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड नजीन टुक ऑल हर ऑन हाउ टू रिएक्ट फ्रॉम हर तो नसरीन कौन है यहाँ ये नसरीन है नजीन की सिस्टर जो बाहर की दुनिया के बारे में जानती है नेक्स्ट है आपका थर्ड नजीन एल्डर सिस्टर जो नजीन की जो नहादा है नहादा भी इसकी एल्डर सिस्टर है उसके कितने बच्चे थे फोर चिल्ड्रन थे यस yes, जैसे कि लेसन में डिस्क्राइब भी की भी किया है थ्री लिटिल गर्ल और वन बेबी था है ना नेक्स्ट है आपका फोर्थ अंकल यस हेमद स्पेंड द लास्ट टू डेज इन अ होटल इन वो सिटी जो इजमेर सिटी थी वहाँ जो अंकल यस yes, जो इजमर सिटी थी वहाँ जो अंकल अहमद हैं उन्होंने लास्ट के जो टू डेज़ थे वो बोटिंग कैसे ड्राइव की जाती है बोट तो वो सीखने के लिए वहाँ उन्होंने स्पेंड किए थे नेक्स्ट आपका अंकल अहमद हैड लर्न टू ड्राइव द बोट यस yes, जैसा कि मैंने आपको बताया था यूट्यूब पे वीडियोस देख के ओके तो ये अंकल अहमद ने सीखा था नजीन था हर सेल्फ एज जो नजीन है वो अपने बारे में क्या सोचती है जैसे समुद्र का गोड जो होता है वो कौन सा होता है पोजनर यस तो उसके तरह सोचती है अपने आप को कि जैसे अब वो फ़िलहाल क्या है जै ये मिथोलॉजी है कि जो पोज है वो क्या है सी का गोड है अच्छा नेक्स्ट देखिए आपका डैश बोट्स हैड लेफ्ट द शॉर्स ऑफ सीरिया अलॉन्ग विद नजीन्स नजीन के साथ जो तीन अन्य बोट थी वो भी गई थी तो इसमें क्या आएगा आपका थ्री थ्री आ जाएगा ओके okay. नेक्स्ट है आपका एट अब्दुल्ला स्टेड इन वाटर फॉर डैस आर्स सर्चिंग फॉर द चिल्ड्रन यस yes, जो अब्दुल्ला क्या है एक बारबर है इस चैप्टर में और इसमें उनके जब बोट ओवर हो गई थी तो उनके बच्चे मिसिंग हो गए थे तो उन्होंने बट थ्री आर उनको सर्च किया था बच्चों को नेक्स्ट है गालिब द सन ऑफ अब्दुल्ला कुर्दी एंड रेना वॉज कितने साल का था ये फाइव ईयर्स का और दूसरा उनका जो आइलैंड था वो कितने का था थ्री ईयर्स का था टेंथ है आपका आफ्टर लैंडिंग इन लेबोस नजीन स्पोक English टू a रियल डैश स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि जो नज़ीन थी उसने इंग्लिश बोलना सीख लिया था और इसीलिए जब वो लेबोस में उतरी तो उसने इंग्लिश में बातें की तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं ओके बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं आपकी येस yes, नेक्स्ट है आपकी वॉकेबलरी की इसमें जो अंकल अहमद हैं वो क्या हैं आ, वरी हैं फ्यूरोबोरोड मीन क्या होता है जब माथे पे जो लाइनें पड़ जाती हैं उस सिचुएशन को या पोजीशन को आप बोलते हैं ठीक है जब चिंता होती है तभी होता है ना ऐसा तो ये जो फिलअप हैं ये कुछ फ्रेजेज यहाँ आपके दिए हुए हैं और इन फ्रेजिज़ को का हमें जो आंसर है वो यहाँ राइट करना है ये फ्रेजिज़ हैं ठीक है थीक? ये साइड में जैसे फ्लाइंग हाई का मतलब क्या होता है एक्साइटेड अगर मैं फ्लाइंग हाई बोलूँ ये क्या है एक फ्रेज है बट इसका जो रियल मीनिंग है वो क्या है आपका एक्साइटेड नेक्स्ट है आपका पम्पड अप हैप्पी थर्ड है आपका डाउन इन द डम्प यस अनहैप्पी यस बी द एंड ऑफ वंस लेदर तो इसमें क्या आ जाएगा आपका नो यस लॉन्गर एबल टू डील विद आ प्रब्लम यस इसमें आ जाएगा नेक्स्ट अब नेक्स्ट देखते हैं आपका बाइट someone's head off ऑफ तो इसमें क्या आएगा बाइट someone head off ऑफ़ ये क्या है फ्रेज़ है और इसका जो रियल मीनिंग है किसी के ऊपर गुस्से से चिल्लाना टू शाउट एट समन एंगरली और नेक्स्ट है ड्राइव someone up the wall तो इसमें आ जाएगा टू मेक समवन एंग्री और क्रेजी भाई क्या होना किसी का क्रोधित या जो गुस्से से गुस्सा होना तो इसमें नेक्स्ट है सेवनथ आपका हैविंग बटरफ्लाईन वन स्टमक तो नर्वस हो जाना इसका मतलब क्या हो जाएगा नर्वस हो जाना अफ्रेड ऑफ योर ऑन सेडो अपनी ही सैडो से डर जाना एक्सट्रीमली फियरफुल जो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है आपने भी सुना होगा ना अपनी इच्छाएं से जो डरता है फीलिंग्स आउट ऑफ शॉर्ट्स तो इसमें आएगा नॉट फीलिंग नॉर्मल ओके जो अपना सहज महसूस नहीं करता नेक्स्ट है एव वस अबाउट समथिंग टू कंट्रेरी फीलिंग्स ऑपोजिट में विरोधी जो एहसास होते हैं कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दोनों एहसास होना ओके okay, तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को फिलअप करेंगे ये क्या है एक बार फिर बताऊं ये आपके फ्रेज हैं और ये क्या है इनके मीनिंग है नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं यस राइट द फॉर्म ऑफ दीज यस कॉमन एब्रवेशन यहाँ कुछ एब्रेवेशन दी गई हैं और उनको आप शॉर्ट फॉर्म जिनको आप बोलते हो और इसमें आपको क्या करना है फुल फॉर्म आपको राइट करनी है फर्स्ट है आर एस बी पी तो इसमें आएगा आपको री हिल्स यस प्लेट नेक्स्ट है डी आई वाई डू इट योर सेल्फ पी एस यस पोस्ट स्क्रिप्ट या इसका दूसरा मीनिंग आप कह सकते हो प्लीज सी दोनों ही इसकी जो है फुल फॉर्म हो सकती हैं एस ए पी एज सून एज पॉसिबल एज सून एज पॉसिबल नेक्स्ट है आपका बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स सिक्स है एम बी ए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सी ई ओ चीफ एजुकेटिव ऑफिसर ठीक है एजुकेटिव ऑफिसर आई ए एस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या है आई ए एस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नेक्स्ट आपकी सी एक्सरसाइज सी में आपको क्या करना है मैच करना है जो एक्रोनियम क्या होता है बेटा एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें फर्स्ट जो लेटर होता है उसका जो फुल नेम क्या होता है पूरी को डिनोट कर देता है वो पूरी लाइन को जैसे हम बोलेंगे ये yes, स्केयर तो इसका फुल अगर आपका हो जाएगा जैसे फर्स्ट का देखिए कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरी वेयर तो ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट में अब नेक्स्ट का देखिए यूनेस्को हम वर्ड में एक ही में बोलते हैं यूनेस्को तो इससे पता लग जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ओके तो वन वर्ड में जो चीज़ें बोल दी जाती हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है उसी के उस पर तो नेक्स्ट है जिप तो थर्ड में आपका आ जाएगा जोन इम्प्रूवमेंट प्लान प्लान तो इस तरीके से आपको ये डन आप कर लेना है फर्स्ट में जैसे ए है यहाँ सेकंड लिखा है जो बी है उस पर मैंने क्या लिखा है फर्स्ट और सी है उसमें मैंने सिक्स और डी है उसमें थर्ड ई e में फोर्थ और फिफ्थ में फाइव ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज येस फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ कुछ वर्ब दी गई हैं आपको वो फिल अप करनी है बट वो फ़िल करनी है आपको जो आपकी फाइनाइट वर्ब हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब के उसमें आपको फिल करनी है ओके नेक्स्ट देखिए आपका जैसे आपका नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं आपकी जिसका यस yes, जिसमें क्या आप कह सकते हो डू नॉट हैव अ टेंस जिसके अंदर टेंस ना तो टेंस चेंज होता है और ना ही उसकी जो फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग चाहे पर्सन कोई भी हो हमारी जो वर्ब है यहाँ देखिए ये यह जो है सेम आएगी तो इसको हम क्या बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब ओके देखते हैं फर्स्ट में आपका लिखा है आई फोर गॉट टू राइट तो इसमें आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फिल करना है तो फर्स्ट में आई फोर गॉट टू राइट तो यहाँ क्या आया टू राइट अगर यहाँ चाहें यहाँ अभी फिलहाल सब्जेक्ट आई आया है इसकी जगह कोई भी सब्जेक्ट आए कोई भी टेंस आए बट हमारी ये फॉर्म एच जी टीज रहेगी ठीक है तो इस तरीके से ये फिल करना है नेक्स्ट देखिए राधाज पेरेंट्स टोल्ड हर टू प्ले टू प्ले नेक्स्ट आपका वन द हाउस स कॉट फायर राजू रन आउट स्क्रीमिंग स्क्रीमिंग में चिल्लाना माई फादर इज़ बिजी सिंगिंग नेक्स्ट है द डॉक्टर एडवाइज टू रेस्ट डॉक्टर ने क्या सलाह दी है रेस्ट करने के लिए नेक्स्ट है आपका सिक्स आई स्टिल रिमेंबर विजिटिंग ओके नेक्स्ट है हैविंग और एर्थ आई डोंट लाइक गेटिंग अप अर्ली ऑन हॉलीडेज नाइंथ है स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ और इससे नेक्स्ट है आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल द यस फायर फाइटर सेव्ड ऑल द पीपल कॉट इन बर्निंग ट्वेल्थ है टू डिले थर्टीनथ है आपका ट्राइंग फोर्टीन है आपका टू कॉल और फिफ्टीन है टू लाफ सो एवरी वन फील केयरफुली तो इसमें ऑनली आपको क्या फील करना है जैसे आपका इसमें जीरण भी हो सकता है इन्फिनेटिव भी हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है किसमें बट इनफिनेटि जैसे जीरण है आपका जीरेंड में आपके क्या लगता है आई एन जी लगता है ओके okay? जैसे हैविंग है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी सेम ही होता है इन्फिनेटिव में आप टू टू ऐड कर देते हो तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज फिल करती है नेक्स्ट देखिए यस आई थिंक दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रियट प्रपोजिशन यस आपको यहाँ प्रपोजिशन फिल करनी है तो यहाँ फर्स्ट आएगा आई हैव अ क्लास एट टाइम के लिए हमने यहाँ क्या फिल किया एट द कार वॉज पार्क जो पार जो कार को पार्क किया है कहाँ किया है बाहर किया है आउटसाइड यू डिड नॉट टेल मी एनी थिंग अबाउट योर बुक अबाउट मीन के बारे में येस देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू आंसर्स यस यहाँ जो है बिटवीन और अमंग बिटवीन जो आप जब भी आप बिटवीन का यूज़ करते हैं तो बिटवीन आपका कब आता है जब टू थिंग्स का आपको बीच में दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ करनी है तब वहाँ बिटवीन आएगा अगर टू से ज़्यादा हैं तो वहाँ आप क्या फिल करोगे उमंग को फिल आप करते हैं ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं जैसे फोर दिल्ली इज फेमस फॉर इट्स फूड एंड मोन्यूमेंट्स ओके नेक्स्ट है इन इसके लिए फोर फोर का मतलब होता है के लिए ओके okay, नेक्स्ट है इंस्टीड ऑफ इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के अतिरिक्त और नेक्स्ट है इन द स्टोरी द लॉन्ट जम्प्स इन टू जब मोशन में कोई चीज होती है तो हम इन टू का फिल करते हैं. यस आई रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून यस ये पीरियड टाइम दिया है नेक्स्ट है नवीत थे इन यस नेक्स्ट इसमें ट्वेल्थ में आएगा आपका इन और यू कैन वोरो आ स्टोरी बुक यस फ्रॉम के द्वारा होता है ना या से जब हम किसी चीज से अलग होने का भाव आता है लेने का तो वहाँ आप किसका यूज़ करते हो फ्रॉम का यूज़ करते हो फिर वही विट आ गया है फोर्टीन में और नेक्स्ट है आपका फिफ्टीनथ बाय ओके नेक्स्ट आपकी है जो ये एक्सरसाइज है ये हो गई आपकी डन नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए लिसन टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरिया इनफ्लुएंस ये इसी के अकॉर्डिंग है आपकी सीरिया इज जो सीरिया में सिविल वार हुआ था उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये किस साइड पड़ती है तो ये क्या है वेस्ट में आएगी आपकी द कैपिटल ऑफ सीरिया जो सीरिया की कैपिटल है वो क्या है डेमेस्कस एंड द द मॉडर्न स्टेट ऑफ सीरिया वॉज एस्टेब्लिस्ड इन द मिड ट्वेंटीथ की modern जो उनकी मॉडर्न जो सिटी थी वो कब स्त हुई मिड ट्वेंटीथ में टी डब्ल्यू ई एन टी आई ई टी एच द कंट्री येस ये नॉलेजेबल है सो एवरी वन लर्न इट तो इसमें आपका नेक्स्ट आएगा नाइनटीन फोर्टी फाइव और इससे नेक्स्ट है और, और लास्ट का आपका एन आनस इज टू थाउजेंड वन इलेवन तो यहाँ आपका लास्ट में क्या आ गया है टू थाउजेंड इलेवन तो इसको आपको अच्छे से करना है थैंक्स एवरी वन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा